हेलो फ्रेंड्स, तो जो आज का मेरा टॉपिक है वो है बियर्ड ऑयल। जो आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है कि हम अपनी स्टाइलिश बियर्ड रखेंगे, बियर्ड ऑयल लगाकर हम बियर को एक शेप देंगे, बियर ग्रो कराएंगे। ऑफ कोर्स मेरी बिल्कुल कम आपको दिख रही होगी। तो एक्चुअली हम आर्टिफिशली, मतलब हम इंडस्ट्री जो केमिकल्स हैं, हम केमिकल्स पे क्यों डिपेंड हैं बियर्ड के लिए? या देखो, जो बियर्ड है वो हमारी बॉडी में नेचुरली ग्रो करती है। जब ये नेचुरली ग्रो नहीं कर रही है तो मतलब हमारी बॉडी में, मान सकते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ विटामिंस की डेफिशिएंसी हो सकती है, मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, या प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, या हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, या हमारी जो हाइजीन है वो बेटर ना हो। हम उस साइड नहीं ध्यान दे रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि बाहर से हमें कोई प्रोडक्ट मिल जाए, हम उसको अप्लाई करें और हमारी बियर्ड आ जाए। वो एक बिल्कुल ही हम रॉन्ग डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, कि इंडस्ट्री के भरोसे हम बैठ गए हैं कि हमें अपनी बियर्ड उगानी है। और देखो, मैं आपको बता दूं, जैसे हम बियर्ड ऑयल यूज़ करते हैं, एक तो आपके जो मनी है पैसे की बर्बादी है, नंबर टू हो सकता है कि आपको कोई सीवियर एलर्जी ना हो जाए उसको लगाने के बाद। कोई सीवियर एलर्जी हो गई तो उल्टा हो जाएगा। सीवियर एलर्जी हो सकती है, एक्ने हो सकते हैं, या कुछ और भी स्किन रिलेटेड डिसीज़ या डिसऑर्डर्स आपको हो सकते हैं। यदि आप सीरियसली बियर्ड को उगाना चाहते हो, या आप चाहते हो कि अच्छी शेप आ जाए, वट एवर, तो आपकी जो डाइट है वो हेल्थी होनी चाहिए। क्योंकि जब डाइट हेल्थी रहेगी तभी एक अच्छी बॉडी, मतलब जो हमारी जो बॉडी है वो अच्छी शेप में आएगी, और हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो शेप में आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल बियर्ड, यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल मैं ले लूँ हेयर का। आपने देखा होगा आजकल बच्चे हेयर में पता नहीं, मतलब कभी सिल्वर, कभी ग्रीन, कभी वाइट, कभी ब्लैक कलर करवा रहे हैं, ठीक है। जो हमारी बॉडी के हेयर का जो नेचुरल कलर है वो है ब्लैक, और इंडस्ट्री चाहती है कि इस ब्लैक कलर को हम हटा दें, फिर हम उनके केमिकल्स पर डिपेंड हो जाएं, है ना। सेम आपका बियर्ड ऑयल के साथ भी होगा, इसलिए बियर्ड ऑयल पे ज़्यादा डिपेंड ना रहें। ट्राई करें कि आप हेल्थी मील लें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, अपनी जो हाइजीन है, चाहे वो फेस हाइजीन है, फेशियल हाइजीन को मेंटेन रखें, अच्छे सोप्स यूज़ करें, अच्छे फेस वॉश यूज़ करें, लेकिन फोर्सली बियर्ड को ग्रो ना करें, ठीक है। तो काफ़ी बच्चों ने पूछा था कि सर बियर्ड ऑयल लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, तो इसका मैंने आपको बता दिया है। आप लगाओगे तो भी आपका कोई नुकसान इतना नहीं है, और आप नहीं लगाओगे तो भी, ये नुकसान फ़ायदा है वो इंडस्ट्री का है जो इनको बनाती है, उनका घाटा होगा और उनका ही फ़ायदा होगा, वो दोनों के दोनों हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अब आपकी सोच है कि आपको बियर्ड रखनी है कि नहीं रखनी है, मैटर नहीं करती है, रखो मत रखो। स्टाइलिस्ट हैं, एक दो दिन के लिए दिखते हैं, फिर दोबारा से वही चीज़ें होती हैं, ठीक है। चलो, बाय बाय।